गदरपुर क्षेत्र के बीसगांव को जोड़ने वाली सड़क और सिसकेनिया ग्राम सभा के कुईखेड़ी की ओर जाने वाली सड़क निर्माण में धांधली का मामला सामने आया है, जिसके चलते पूर्व प्रधान के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचकर बन रहे सड़क का निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी विभाग पर घटिया सामग्री से सड़क बनने का आरोप लगाया। इस दौरान पूर्व प्रधान संजय चौधरी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव वालों ने शिकायत की थी कि लोकल नदी से रीता डाला जा रहा है और रोड बिल्कुल घटिया सामग्री से बनाई जा रही है, उसी के तहत हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं और मेरे द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई को अवगत कराया और उनसे इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने 2 दिन बाद देने की बात कही, लेकिन आज 3 दिन हो गए अभी तक उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिखाया तक नहीं, इसलिए हम मजबूरन होकर यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं और हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम आगे जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर इसकी जांच कराएंगे और जो इंस्ट्रूमेंट में है वही सामग्री सड़क पर लगना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मानक के अनुसार सड़क निर्माण स्टोन क्रेशर का रेता बजरी से होता है, लेकिन यहाँ लोकल नदियों का रेता से सड़क बनाया जा रहा है जो कि बिल्कुल घटिया सामग्री है जिसका कोई पकड़ नहीं है और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी सड़क बनाकर चले जाएंगे, लेकिन उस सड़क से चलना तो हमें ही पड़ेगा और हमें ऐसा लगता है कि पहले ही बरसात में सड़क टूट जाएगी। तो वहीं अवैध खनन पर बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा खनन पूर्ण रूप से बंद है, उसके बावजूद भी यहां खनन हो रहा है जो कि अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। गांव वालों ने शिकायत करी थी कि रोड पे जो है लोकल नदी से रेता डाला जा रहा है और रोड बिल्कुल घटिया सामग्री से बनाई जा रही है, उसी के तहत हम लोग इकट्ठा हुए हैं और मेरे द्वारा अपने पीडब्ल्यूडी का जो जई है उसको फोन पर अवगत कराया तो उसने कहा कि ये एस्टीमेट में है, पक्का एस्टीमेट दिखाइए, बोले एस्टीमेट में 2 दिन बाद दिखाऊंगा, आज 3 दिन हो गए कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा और हम मजबूरन होकर अब यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं और हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे भी जाने के बाध्य होंगे और डीएम साहब को भी लिखित में कल अवगत कराएंगे और इसकी जांच कराएंगे क्योंकि जो एस्टीमेट में है वही सामग्री इस रोड में लगनी चाहिए। देखो जो रेता यहाँ डाला जा रहा है वो लोकल नदी से ना कि कोई स्टोन क्रेशर कहलाया जा रहा, ये है ही लोकल नदी से वो रेता डाला जा रहा है जो कि बिल्कुल घटिया है और कोई पकड़ नहीं करेगा और मट्टी है जो साइड से खोद के खेतों से और उसको खाना पूर्ति करके ये लोग तो चले जाएंगे और हम लोग जो है ये रोड चलेगी नहीं, हमें ऐसा लगता है कि ये पहली बरसात में ही रोड टूट जाएगी। यहाँ ये सभी हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी की मिलीभगत से ये खनन हो रहा है क्योंकि डीएम साहब के द्वारा खनन पूर्ण रूप से बंद है मगर तब भी यहाँ धड़ल्ले से खनन हो रहा है